अद्भुत सरकार, उसने 3 साल से अधिक की सरकार में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, रोजगार छीनने के, भ्रष्टाचार करने के, शौचालय के नाम पे घोटाले के, गंगा मैया के नाम पे घोटाले के, गौशाला के नाम पे घोटाले के। तो उसी में ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों के जादूगर हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जैसे प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए लौट रहे थे बसों से, ट्रेन से, साइकिल से, पैदल, वैसे ही सरकार ने उनके कौशल को समझ लिया और एक रिपोर्ट बना ली। उधर रिपोर्ट बनी नहीं कि सरकार ने घोषणा कर दी कि हम 125 करोड़ रोजगार देने जा रहे हैं। जब लगातार अखबारों के माध्यम से ये आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से रोजगार छीन रहे हैं, तो नए रोजगार किस तरीके से दे रहे हैं? मुझे लगता है कि सरकार ने जो अपराध हुए हैं 3 साल में योगी सरकार में, जो अपराधी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, उनको भी रोजगार की श्रेणी में रख करके उनके नाम चढ़ा दिए हैं। ये हवा हवाई बातें करने वाले हैं। ये मोदी जी ने एक जुमला दिया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष, योगी जी उनसे 4 हाथ आगे निकल गए हैं, एक दिन में 1 करोड़ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को भी सीखना चाहिए योगी जी से कि और कैसे लंबे लंबे भाषण दिए जा सकते हैं, कैसे नौजवानों को गुमराह किया जा सकता है। इससे ज्यादा